No, we have to design a form for this subject table also, just like student table. तो इसका method वही है, just like you can say this is a repetition of the last lectures point of view जो हमने उसमें बनाया था, एक form बनाया था student का, तो हम subject का form बनाने वाले हैं. तो again you have to click at the create table, create form, form wizard. एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का टेबल चूज करेंगे. नेक्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट ऑल ऑफ द कॉलम्स, यानी मुझे सारे के सारे कॉलम ही डिस्प्ले करने हैं, उनकी एंट्री लेनी है, इस वजह से मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिए हैं. नेक्स्ट फॉर्म का जो स्ट्रक्चर है वो कॉलमर स्टाइल का होगा, ठीक है. नेक्स्ट ओपन द फॉर्म इन द टू व्यू आर एंटर इंफॉर्मेशन, यस एंड फिनिश दिस. व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्म, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही रहना चाहिए, ठीक है. तो ये मेरा सब्जेक्ट का फॉर्म बन गया है. नो यू कैन एंटर डेटा फॉर द सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल सो इन दिस वे यू कैन एंटर डेटा फॉर दी सब्जेक्ट्स. देख सकते हैं कि अगर मुझे देखना हो ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने डेटा एंटर कर दिया, ठीक है, बात क्लियर है ये. सो इन दिस वे जैसे लास्ट हमने बनाया था सब्जेक्ट स्टूडेंट का फॉर्म बनाया था, तो अभी मैंने सब्जेक्ट का फॉर्म बनाया. इसी तरह से मैं जो थर्ड फॉर्म मेरा टेबल है स्टूडेंट सब्जेक्ट, इसका भी एक फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है. तो अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल, क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे एंड फॉर्म विजिट अगेन एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट थर्ड टेबल स्टूडेंट सब्जेक्ट. इसमें दो ही फील्ड्स हैं, दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलमर ही होगा, ओके. अच्छा यहाँ पे जो है इसके लिए हम बेहतर होता है कि जब आपने इस किस्म का रजिस्ट्रेशन एंटर करनी है तो हम टेबलर फॉर्म चूज़ करें, क्योंकि आपने बेसिकली बताना है कि स्टूडेंट वन है तो वन के आगे वन सब नंबर सब्जेक्ट आना है, टू नंबर आना है, थ्री नंबर आना है, फोर नंबर आना है, तो आपको इस तरह से एंट्री करनी है. तो इस तरह के एंट्री के लिए हम नॉर्मली फिर हम जो कॉलमर टाइप होता है, सॉरी टैबलेट वाला फॉर्म जो होता है वो ले सकते हैं, लेकिन कॉलमर भी बना सकते हैं. अगर आपको पता है कि मैंने कभी कभी एक कोर्स असाइन करना है या कभी नहीं करना, तो उसकी बेस पे हम उसको कॉलमर भी ले सकते हैं. तो चलें कॉलमर ही ले लेते हैं, नेक्स्ट चलें. तो ये मैं इस फॉर्म का जो नेम है वो चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टूडेंट सब्जेक्ट हम टेबल का नाम तो रख दिया था, लेकिन इसका नाम मैं रजिस्ट्रेशन रख देता हूँ. तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन का टेबल बन गया है. अब फर्ज करें मुझे अभी मैं इसमें जो एंट्री करूँगा वो इन कोर्सेज के यानी कि इनकी आईडीज टाइप करके करूँगा. अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, आईडी एंड सब्जेक्ट आईडी व्हाट इज दिस, ठीक है. तो हम ये कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए, यानी कि आप इसको अगर समझते हैं कि आसान हो जाए किसी दूसरे बंदे को देखने के लिए, तो इसको डिज़ाइन व्यू में ले जाएं, ऐसे जस्ट लाइक रजिस्ट्रेशन के टेबल पे फॉर्म पे राइट क्लिक करेंगे, डिज़ाइन व्यू में आ जाएंगे और यहाँ पे इनके लेबल चेंज कर लें, ये पूरा लिख दें, ये है स्टूडेंट आईडी और ये है सब्जेक्ट आईडी. इससे ये होगा कि जो बंदा एंटर कर रहा है डेटा उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, वो आसानी से डाटा एंटर कर सकता है. ओके, तो ये हमने चेंजेस कर लिए, इसको सेव कर लें. अब मैं रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को क्लिक करता हूँ, तो ये देखें सब्जेक्ट आईडी, स्टूडेंट आईडी आ गया. अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट आईडी का मतलब है स्टूडेंट का आईडी लिखना है, स्टूडेंट कौन सा आईडी कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहा है ना. तो मेरे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट का डेटा हमने कौन कौन से एंटर किया हुआ है.
दो स्टूडेंट का डाटा एंटर किया हुआ है हमने, देखें 1 एंड 2, और सब्जेक्ट्स कितने एंटर किए हुए हैं, 3 सब्जेक्ट एंटर किए हुए हैं, 1 2 3। तो दैट मीन के हम स्टूडेंट 1 को 1 नंबर सब्जेक्ट में रजिस्टर करना चाहते हैं, यानी स्टूडेंट 1 जो है वो 1 नंबर सब्जेक्ट ले रहा है। इन द सेम वे स्टूडेंट 1 जो है वो 2 नंबर सब्जेक्ट भी ले रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट 2 जो है सपोज 1 नंबर सब्जेक्ट ही ले रहा है, तो ये हमने एंट्री कर ली इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप इस टेबल को देखें तो देखें इसमें ये 1 1 1 2 1 2 1, ये बेसिकली क्या है, ये आईडीज हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे देखना चाहता हूँ अगर कि जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था किसी स्टूडेंट ने कि व्हाई यू मेक अ लिंक बिटवीन टेबल्स, तो दिस इज़ द रीज़न कि जब आप इन टेबल को लिंक नहीं करेंगे तो ये जो 1 2 या 1 1 लिखा हुआ है, व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ दिस 1 1 और 1 2, इसका तो पता नहीं क्या है क्योंकि इनका लिंक नहीं किसी के साथ, यानी 1 किसके साथ एसोसिएट है, 2 किसके साथ एसोसिएट है, हमें कैसे पता चलेगा। ये तभी पता चलेगा जब हम आप इस टेबल का इन टेबल के साथ लिंक करेंगे, यानी जब मैं स्टूडेंट को इस स्टूडेंट के साथ लिंक करूंगा तो फिर पता चलेगा कि ये 1 जो है कोई 1 कौन है, 1 एक स्टूडेंट जिसका नाम बिलाल है, ठीक है, और 2 क्या है, 2 स्टूडेंट है जिसका नेम ताहिर है। और इसी तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं कि 1 सब्जेक्ट आईडी में 1 लिखा है तो 1 का मतलब क्या है, 1 के मीनिंग यहाँ देख सकते हैं इंग्लिश है, ठीक है, और 2 के मीनिंग कंप्यूटर है। तो अगर ये लिंक नहीं करेंगे हम इन टेबल्स को आपस में तो ये एसोसिएशन नहीं बन पाएगी। तो अगर मुझे बाद में इसकी एक रिपोर्ट बनानी हो, इसकी क्यूरी देखनी हो कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में रजिस्टर्ड है, तो वो नहीं कर सकेंगे हम ना, ठीक है। यहाँ तक बात फॉर्म बनाने, फॉर्म क्रिएशन के अंदर किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे, मैंने जो फॉर्म बनाए हैं इस फॉर्म को क्रिएट करने में अगर किसी को कोई इशू है, समझ नहीं आया किसी को पॉइंट, तो मुझे बता दे। हाँ एक ज़रा मसला है, रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जो एंट्री है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, हम 1 1 लिख रहे हैं या 1 2 लिख रहे हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इससे हमें आईडी नहीं हो पा रहा एंट्री के वक्त, आईडी नहीं हो पा रहा कि 1 असल में है क्या, 2 क्या है, यानी अगर फर्ज के 1 बिलाल है, 1 जो बिलाल का आईडी है तो हो सकता है 2 किसी और का आईडी है, तो मुझे अभी कन्फर्म नहीं है ना, खाली याद तो नहीं रख सकते हम सब लोगों के आईडीज, तो यहाँ एंट्री करना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन वैसे फॉर्म बनाने की हद तक मसला नहीं है कोई। लेकिन इसको हम आगे जाके देखेंगे थोड़ा सा कि इस एंट्री को हम आसान कर देंगे कि बजाय इसके कि हम यहाँ पे 1 लिखें, हम यहाँ पे बिलाल लिखेंगे, तो बिलाल लिखेंगे तो 1 खुद ही बैकएंड पे चला जाएगा, लेकिन वो अभी हम बाद में लेटर ऑन करते हैं इसको जी। बताएं मुझे कोई क्वेश्चन, अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, नो हेलो सर, ओके। अब जो नेक्स्ट बड़े क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट है वो यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं वो है कि रिपोर्ट बनाने, जी ठीक है। ये जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, मुझे एक रिपोर्ट बनानी है, इस रिपोर्ट में मैंने एक लिस्ट बनानी है कि कौन से स्टूडेंट किस कोर्स में रजिस्टर्ड है, यानी बिलाल के आगे इंग्लिश लिखा हो या फिजिक्स लिखा हो या कुछ और सब्जेक्ट का नाम लिखा हो, ये लिस्ट बनानी है, यानी मुझे एक लिस्ट चाहिए जिसके अंदर बिलाल के नाम के सामने उसके सब्जेक्ट्स का नाम लिखे हों या ताहिर के नाम के सामने उसके सब्जेक्ट का नाम लिखा हो। तो आई वॉन्ट टू गेट दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट, तो दैट यू कैन से दिस रिपोर्ट इज जस्ट मैंशनिंग के वट नंबर ऑफ कोर्सेज या विच नंबर ऑफ विच डिफरेंट कोर्सेज आर रजिस्टर्ड बाय विच डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा ये रिपोर्ट हम डायरेक्ट अगर बनाना चाहें तो नहीं बनेगी, ठीक है, यानी अगर मैं यहाँ से कहूँ कि आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, क्रिएट में जाएं एंड क्लिक ऑन द रिपोर्ट विजिट, तो रिपोर्ट विजिट में आप देखें यहाँ पे हम एक वक्त में एक ही टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए या तो मैं सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा या फिर मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो रिपोर्ट का जो विजिट सिस्टम है ये थोड़ा सा इसमें एक डिफेक्ट कह लें है या इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इसमें जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाएंगे दैट इज जस्ट बिलोंग्स टू सिंगल टेबल, बट वी नीड अ रिपोर्ट विच कंटेन मल्टीपल टेबल्स डेटा,
यानी इस टेबल में जो डेटा आना है वो स्टूडेंट के टेबल से भी आना है और सब्जेक्ट टेबल से भी आना है। तो जब मल्टीपल टेबल से डेटा आ रहा हो तो ये हम सिंपल रिपोर्ट विजिटर से नहीं बना सकते। इसी तरह से जैसे मैं लास्ट क्लास में, याद है आपको कि मैंने एक क्राइटेरिया की बेस पे लाहौर के स्टूडेंट का डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है इन सिंपल रिपोर्ट विजिट में। रिपोर्ट विजिट हमेशा जब भी रिपोर्ट बनाता है तो एक टेबल की बनाता है, सेकेंड वो कंप्लीट टेबल एक्सट्रैक्ट करता है, फुल टेबल एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, हाँ कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम हम दो कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, बट द नंबर ऑफ रोज नेवर बी रिस्ट्रिक्टेड। तो नंबर ऑफ रोज हमेशा पूरी आएंगी, चाहे वो 10 हैं, चाहे 10,000 है, जो जो भी नंबर है उसका है, उसने कंप्लीट आना है। अब इस डिफेक्ट को कह लें या इस लिमिटेशन को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्यूरी। यानी हम ये रिपोर्ट जो है जिसमें डेटा हमें मल्टीपल टेबल से एक्सेस करना है, यानी मुझे एक ऐसी क्यूरी बनानी है जिसमें जो डेटा स्टूडेंट के टेबल से भी आएगा और सब्जेक्ट के टेबल से भी आएगा। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए आई नीड टू मेक अ क्यूरी फर्स्ट, मुझे क्यूरी बनानी है। क्यूरी अगर हम बनाएंगे तो क्यूरी के अंदर ये फैसिलिटी है कि क्यूरी जो है वो मल्टीपल टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकती है। यानी अगर आप उसमें स्टूडेंट के टेबल से और सब्जेक्ट के टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दिस कैन बी पॉसिबल बाय यूजिंग अ क्यूरी। तो इसके लिए हम पहले रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं, पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में एक क्यूरी बनानी पड़ेगी। तो इसका लगे हम क्रिएट के टैब पे जाएंगे अगेन एंड क्लिक ऑन दी क्यूरी विजर्ड, क्यूरी डिज़ाइन कर लें। अच्छा, क्यूरी डिज़ाइन जब आपके सामने, इस विंडो को भी हमने लास्ट स्क्रीन में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये हमारे सामने एक इसने शो कर दिया कि आपके पास कौन कौन से टेबल्स अवेलेबल हैं और किस किस टेबल का डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं आप। क्योंकि मुझे अपना डेटा जो मल्टीपल टेबल से एक्सट्रैक्ट करना है तो दैट्स वाई वी नीड टू एड मल्टीपल टेबल्स हेयर। तो मुझे डेटा स्टूडेंट के टेबल से भी चाहिए, मुझे डेटा आपके सब्जेक्ट के टेबल से भी चाहिए, बट ये दोनों टेबल आपस में लिंक नहीं है डायरेक्ट। इनका लिंक किस टेबल के साथ है, स्टूडेंट सब्जेक्ट के साथ। यानी अगर मुझे ये चेक करना है कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स के साथ रजिस्टर्ड है तो वो इन्फॉर्मेशन इस टेबल में पड़ी हुई है। खाली सब्जेक्ट के टेबल में इन्फॉर्मेशन सिर्फ सब्जेक्ट की है, स्टूडेंट के टेबल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की है, लेकिन उनकी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है कि विच नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड, विच नंबर ऑफ कोर्सेज, वो हमारे थर्ड टेबल में पड़ी हुई है। तो इसका हमें थर्ड टेबल को भी ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये जो मेरा क्यूरी है ये तीनों टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करेगी, स्टूडेंट के टेबल से भी, एम्प्लॉय टीचर के सॉरी सब्जेक्ट के टेबल से भी, और जो थर्ड टेबल है जो इनको लिंक कर रहा है आपस में उससे भी। तो ये देखिए ये वही लिंक हमें वहाँ शो भी हो गए हैं। अब इसे क्लोज कर दें और अब हम इसको ड्रैग करके चेक कर सकते हैं कि ये देखिए ये वही एसोसिएशन है जो हमने वहाँ बनाई थी, वही इसने यहाँ शो कर दिया। तो हमें ये एसोसिएशन अगर ना बनी होती तो ये मल्टीपल टेबल से डेटा नहीं आ सकता था। ये एसोसिएशन बनी हुई है तो हम इस इन तीनों टेबल में से डेटा एक साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जब जितने टेबल आपस में लिंक होंगे जो यहाँ शो हो रहे होंगे उनमें से डेटा हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टेबल आपस में लिंक नहीं होंगे तो फिर हम ये डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, व्हाट वी नीड नेक्स्ट, हमें क्या चाहिए, वी नीड स्टूडेंट नेम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें स्टूडेंट नेम चाहिए तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का देखें यहाँ क्योंकि मल्टीपल टेबल्स आ गए हैं, मल्टीपल कॉलम्स के आ गए हैं, मल्टीपल टेबल्स के फील्ड्स आ गई हैं, तो हमेशा उसके साथ उसके पेरेंट का नेम लिखा होगा नाज़मी। यानी स्टूडेंट डॉट का मतलब है कि स्टूडेंट इज अ पेरेंट एंड आई डी, स्टूडेंट इज अ टेबल नेम एंड आई डी इज अ कॉलम नेम। तो स्टूडेंट इज अ टेबल नेम, स्टूडेंट नेम इज अ कॉलम नेम। तो मुझे एक स्टूडेंट के टेबल में से स्टूडेंट नेम चाहिए तो मैं इसको इस फील्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, मुझे सब्जेक्ट नेम चाहिए। ठीक है, चलें अगर स्टूडेंट के हमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले लेते हैं पहले। हमें इसमें सपोज करें एड्रेस, फ़ोन नंबर भी चाहिए, तो स्टूडेंट के टेबल में से हमें फ़ोन नंबर भी चाहिए। ओके, तो नीचे देखें टेबल का नेम खुद ही आ गया है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हमें अब हमें सब्जेक्ट के टेबल में से क्या चाहिए, सब्जेक्ट नेम चाहिए, तो सब्जेक्ट के टेबल ये आ गया और इसमें सब्जेक्ट नेम आ गया। तो बेसिकली ये जो थर्ड टेबल है इसमें से डेटा हम डायरेक्ट कोई नहीं ले रहे, ये थर्ड टेबल का जो डेटा है वो बेसिकली हमारे दोनों टेबल को एसोसिएट कर रहा है, लिंक कर रहा है। ठीक है।
ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने तीन कॉलम सेलेक्ट किए हैं, दो कॉलम आपके स्टूडेंट के टेबल से आ रहे हैं और एक कॉलम आपका सब्जेक्ट के टेबल में से आ रहा है, यानी दैट मीन के मल्टीपल टेबल से डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि सिर्फ क्यूरी के थ्रू पॉसिबल है, सिंपल रिपोर्ट्स के थ्रू पॉसिबल नहीं था। और ये जो थर्ड टेबल है वो सिर्फ एक लिंक का, एक एसोसिएशन का मैकेनिज्म है ओनली, ठीक है। यानी अगर आप देखें तो उस टेबल से हम डेटा नहीं ले रहे कोई, लेकिन अगर ये टेबल ना होता तो हम इसकी जो आपस की जो एसोसिएशन थी, जहाँ जो एक लिंक बना हुआ था, वो नहीं कर सकते थे हम। यानी फिर हम दोनों टेबल से एक साथ डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। अब क्योंकि ये एसोसिएशन बनी हुई है तभी हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेम टाइम पे। और ये एसोसिएशन बनाई किसने है? ये थर्ड टेबल इसी ने बनाई है, तो इसलिए इसका डालना जरूरी है। ये समझ लीजिए कि जैसे ऐसे कह लो कि जैसे एक इंटरफेस होता है दो चीज़ों के दरमियान, तो ये एक इंटरफेस है, विदाउट दैट इंटरफेस यू आर नॉट एबल टू गेट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि इसमें डेटा हमारा कोई यूजफुल तो नहीं है खास, जिसको हम कहीं पे यूज प्रिंट करना चाहते हैं, बट दैट डेटा इज ऑल्सो यूजफुल टू मेक द एसोसिएशन अमंग दीज टेबल्स, तो इसलिए इसका होना जरूरी है। अच्छा, ये मैंने तीनों कॉलम सेलेक्ट कर लिए, तो अगर आप कोई इस पे कोई कंडीशन भी अप्लाई करना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट चाहिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, तो वो भी कर सकते हैं क्राइटेरिया में, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैंने तीन कॉलम सेलेक्ट किए हैं और इस क्वेरी को मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो कंट्रोल एस प्रेस करें और यहाँ पे क्यूरी का नेम लिख दें। आप इसका नेम रखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, ये क्या रिपोर्ट है, यानी जो बेसिकली जो चीज़ आप कर रहे हैं उससे रेलिवेंट हम इसका नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड सब्जेक्ट्स, चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। यू कैन राइट एनी मीनिंगफुल नेम जिसको बाद में आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये मेरी क्यूरी सेव हो गई है, ठीक है। तो क्यूरी हमारी बेसिकली क्यूरी जस्ट एक बैकएंड सिस्टम है जो डेटा एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर रही है, लेकिन डायरेक्टली ये कहीं डेटा व्यू नहीं करवाएगी आपको, ना ये रिपोर्ट बनाएगी। तो रिपोर्ट बनाने के लिए अगेन आपको रिपोर्ट में ही जाना पड़ेगा, तो यू हैव टू क्लिक अगेन क्रिएट टैब एंड फ्रॉम हेयर यू नीड टू क्लिक रिपोर्ट विजिट। अब रिपोर्ट विजिट में आप देखें वो क्यूरी जो मैंने अभी बनाई है वो यहाँ आ गई है, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ देखें जो मैंने वहाँ कॉलम लिए थे वो कॉलम यहाँ भी आ गए हैं, तीन कॉलम मैंने वहाँ से लिए थे, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम और फोन, तो मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट करें, तो आप डेटा किस बेस पे लेना चाहते हैं? अच्छा, ये एक नई चीज़ यहाँ पे जो मैंने लास्ट कहा था आपसे कि मैं इसको इग्नोर हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस रिपोर्ट में तो हमने इग्नोर कर दिया था क्योंकि वहाँ पे ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ग्रुपिंग की ज़रूरत है हमें। यानी मैं अपने अपने सारे के सारे सब्जेक्ट को ग्रुप करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी जो एक स्टूडेंट है उसके सारे कोर्सेज सेपरेट नजर आए मुझे, दूसरा स्टूडेंट है उसके कोर्सेज सेपरेट नजर आए, तो मुझे इसको सब्जेक्ट स्टूडेंट वाइज ग्रुप करना है, तो इसलिए मैंने स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हैं, मैं ये देखना चाहता हूँ इंग्लिश में कौन कौन से लोग रजिस्टर्ड हैं, तो फिर मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप देखें, अब ये देखें चेंज हो गया, ऊपर सब्जेक्ट नेम आ गया, नीचे स्टूडेंट नेम आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम एक ऐसी लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि सपोज इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश के सब्जेक्ट में कितने कोर्स स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, दो हुए हैं, 10 हुए हैं, 20 हुए हैं, तो उनकी लिस्ट आ जाए, तो फिर हम ये करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट ने कौन कौन से कोर्स ले किए हुए हैं, तो हर स्टूडेंट की हम ये चीज़ देखना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट, बिलाल के कौन से कोर्सेज हैं, ताहिर के कौन से कोर्सेज हैं, इस तरह से बाकी स्टूडेंट्स के कौन कौन से कोर्सेज हैं, अगर ये चीज़ चेक करना चाहते हैं तो हम फिर इसको स्टूडेंट वाइज करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टूडेंट वाइज कर लेते हैं, ठीक है। बट डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा यू कैन चेंज दिस वन, यानी अगर मुझे रिपोर्ट किस तरह से बनानी है, किस, अब दो रिपोर्ट सेपरेट भी बना सकते हैं, यानी एक दफ़ा उसको इस तरह से बना लें, सेकेंड टाइम दूसरी तरह से कर लें, तो आपके पास दो रिपोर्ट्स निकल आएंगी। तो कभी भी आप देखना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट किस किस कोर्स में रजिस्टर्ड है, तो आप इस वाली रिपोर्ट को क्लिक कर दें, अगर आप ये देखना चाहते हैं किस सब्जेक्ट में कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो फिर दूसरी रिपोर्ट को क्लिक कर दें। तो अभी मैंने ये कर लिया है, नेक्स्ट करें। तो अब आप इसको बता दें कि आप कोई मजीद ग्रुपिंग का लेवल बनाना चाहते हैं, नो, क्योंकि अभी हमारा डेटा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है नहीं, बड़ा सिंपल सा है, दो चीज़ें इसमें, तो हमें मजीद ग्रुपिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जस्ट नेक्स्ट प्रेस कर दें। डेटा असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सब्जेक्ट वाइज करना है, कैसे करना है वो लिखना है।
अच्छा, अब क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट है ये ग्रुप रिपोर्ट है, ठीक है, और इसमें ब्लॉक्स, इसमें आपने ग्रुपिंग की है स्टूडेंट और सब्जेक्ट के दरमियान, तो ये ग्रुपिंग आप किस ऑर्डर में प्रिंट करना है, स्टेप बाई स्टेप करना चाहते हैं या ब्लॉक फॉर्म में करना चाहते हैं, ठीक है, या आउटलाइन व्यू में करना चाहते हैं, जैसे ये असल में ये तीनों ऑप्शन आपको तब समझ आएंगे ज़्यादा क्लियर जब आप इसमें डेटा सही डालेंगे और उसको वन बाई वन ऑप्शन को चूज करके रिपोर्ट को व्यू करके देखें, फिर आपको आइडिया होगा कि इस तीनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, होता ये है कि सपोज जैसे मैंने स्टेप किया है तो स्टेप वन में ये ऊपर मेन टेबल का डेटा आएगा, सपोज ऊपर स्टूडेंट नेम लिखा होगा, नीचे उनके कोर्सेज की डिटेल लिखी होगी, इस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक कॉलम आगे फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से चल रहा होगा। ब्लॉक में क्या है कि ब्लॉक में ये सामने सामने होंगे, ठीक है, तो खास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो खैर मैंने पहले कहा है कि ये इस तरह से समझ नहीं आपको आ सकता, ठीक है, इस तभी समझ आएगा जब हम इन स्टेप्स को, इन चीज़ों को वन बाय वन अप्लाई करें, रिपोर्ट को व्यू करें, तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये फ़र्क क्या तीनों में। तो अभी हम पहली ऑप्शन ले लेते हैं स्टेप की, और दूसरी बात ये है कि अभी क्योंकि हमने फर्दर ग्रुपिंग नहीं की, हमने सिंगल ग्रुपिंग की है, सिंगल लेवल ग्रुपिंग की है, तो अगर हम मल्टी लेवल ग्रुपिंग करेंगे फिर इस इन डिफरेंट रिपोर्ट्स में आपको डिफरेंस नज़र आएगा, खाली सिंगल लेवल ग्रुपिंग से ये डिफरेंस फिर भी नज़र नहीं आएगा आपको। यानी अगर मैं इस अपने डेटा की ग्रुपिंग दो या थ्री या फोर लेवल पे करता हूँ जाके, यानी कि पहले एक ग्रुप बनाया, उसके अंदर फिर एक और ग्रुप कर दिया, फिर उसके अंदर एक और ग्रुप कर दिया, फिर आप इस रिपोर्ट को निकालेंगे, देन यू कैन फील द डिफरेंस, बट इन दिस केस नॉम कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको ये। तो इसलिए मैंने पहली ऑप्शन ले ली है। नेक्स्ट कर दें, रिपोर्ट का कोई नेम क्या लिखना चाह रहे हैं आप, इसका नेम है जी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स की लिस्ट है। फिनिश। तो अब आप देखें, बिलाल का नेम लिखा हुआ है, उसका फोन नंबर लिखा है, उसके आगे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये दो सब्जेक्ट्स हैं इसके, कंप्यूटर और इंग्लिश। ताहिर का नेम लिखा हुआ है, उसके नीचे इसके एक ही कोर्स है इंग्लिश। तो ये वो रिपोर्ट क्या बन गई है, दिस रिपोर्ट शोज यू डेटा अबाउट स्टूडेंट एज वेल एज द कोर्स रजिस्टर्ड, ठीक है, जो उसके कोर्स रजिस्टर किए हैं उनकी डिटेल भी आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए आपको पहले क्यूरी बनानी पड़ी, क्यूरी बनाने के बाद हमने रिपोर्ट जनरेट की। जी स्टूडेंट, अब बताएं मुझे कोई क्वेश्चन है किसी का, हेलो आर यू लिसनिंग मी, यस सर, यस सर, हाँ जी बताएं कोई इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, कैसे रिपोर्ट बनी है, ठीक है, तो यू कैन टेल मी। अच्छा ये दूसरा इसका मैं अगर जैसे मैंने ग्रुपिंग की अभी स्टूडेंट वाइज ग्रुपिंग की है, अगर सब्जेक्ट वाइज ग्रुपिंग करते हैं तो वो मैं दोबारा भी रेपिटेशन भी हो जाएगी और थोड़ा सा आपको दोनों का डिफरेंस भी पता चल जाएगा, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, अगेन क्लिक ऑन क्रिएट रिपोर्ट विजिट, सेम मैं ले रहा हूँ वही वाला, ऑल सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे बाय सब्जेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट, कोई फर्दर ग्रुपिंग नहीं करनी है भाई हमने, नेक्स्ट, स्टूडेंट नेम वाइज करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट और फिनिश। सॉरी मैंने इसका नाम चेंज नहीं किया, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, रीनेम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, रीनेम इसका, इसको पहले क्लोज करें, अब इसको रीनेम कर लें, ये है जी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट, यानी ये स्टूडेंट की लिस्ट है सब्जेक्ट्स के अंदर। अब इसको ओपन करते हैं, तो अब यहाँ देखें यहाँ पे कि ये वाली लिस्ट है, ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में सिर्फ बिलाल है, इंग्लिश में दो लोग हैं बिलाल और ताहिर, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी एक पर्टिकुलर क्लास या इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश की कोर्स में कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन की है ये उसकी लिस्ट आके सामने आ गई है, या कंप्यूटर का कोर्स है उसमें कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया उनकी लिस्ट यहाँ पे आके सामने आ गई है,
जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे स्टूडेंट? हेलो, समझ आ रहा है सब आपको कि सब सोए हुए हैं? यस सर, यस सर, ये सब जो मैंने किया है आपको समझ आ गया? यस सर, आ यस सर, अब फर्स्ट करें, मैं यहाँ पे अगर डेटा चेंज करता हूँ थोड़ा सा, यानी मैं इस डिसीजन कोर्स में कहता हूँ कि स्टूडेंट नंबर वन ने थर्ड नंबर भी चूज़ कर लिया है, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अब इसी रिपोर्ट को दोबारा निकालते हैं। इसमें फर्क नहीं आएगा, यहाँ आएगा। डेटा सेव नहीं हुआ, सही। सारी रिपोर्टिंग आपने LMS पे डाल रखी है ना? हाँ जी, पुरानी वाली दोनों डाल दी है, ये आज वाली भी आज डाल दूंगा इंशाल्लाह। अब इस कोड को निकालते हैं। तो ये देखें, बिलाल के तीनों कोर्सेज आ गए हैं, इसका मैंने डाल दिया था, ताहिर के दो हो गए हैं। अगर इसको निकालें, देखें कंप्यूटर में सिर्फ बिलाल है, इंग्लिश में दो लोग हैं, फिजिक्स में भी दो लोग हैं। अच्छा, यहाँ देखें रिपोर्ट में, क्योंकि मैंने नेम चेंज वहाँ नहीं किया था, तो यहाँ तो मैंने नेम चेंज कर दिया है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा आ रहा है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ भी सही हो जाए? तो इसको डिज़ाइन व्यू में ले जाएंगे, राइट क्लिक करें इस पर, डिज़ाइन व्यू, और ये सब्जेक्ट लिखा आ रहा है, तो इसको यहाँ से चेंज कर दें। और ये ठीक है, तो जो भी चेंजेस आपने करनी है, अगर जैसे जैसे सब्जेक्ट नेम लिखा आ रहा है, स्टूडेंट नेम लिखा आ रहा है, ऐसे इसको सही करना चाहते हैं आप, तो अगेन राइट क्लिक करें, तो ये ऊपर वाला जो हेडर है इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट इस तरह, ये भी चेंज कर रही है, ये ठीक है, सेव कर लें, तो देखो ठीक हो गया। इस तरह से हम अपनी रिपोर्ट को एडिट करके फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक।